नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर पूजा अग्रवाल और आज हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेंटल क्राउन्स और डेंटल कैप। अक्सर मैंने क्लिनिक में देखा है कि जब हम पेशेंट्स को बताते हैं कि अब आपकी रूट कैनाल पूरी हो गई है या अब आपका बिल्डअप दांत का पूरा हो गया है और अब आपको इसके ऊपर डेंटल कैप लगाना है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आप लोग पूछते हैं वो ये होता है कि कैप किस तरह का होगा, ब्लैक कलर का होगा या वाइट होगा या किस तरह का होगा। देन यूजुअली हम आपको डेंटल क्लिनिक पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेंटल कैप्स दिखाते हैं और अक्सर मैंने देखा है कि पेशेंट्स थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा डेंटल कैप हम चूज़ करें और फिर आप सर्च करते हैं कि किस किस तरह के कैप्स होते हैं। सो टुडे आई वुड लाइक टू ब्रीफ यू रिगार्डिंग द डिफरेंट टाइप ऑफ डेंटल मटेरियल टू बी यूज, ताकि मैं आपको ब्रीफ कर पाऊँ, आपको एक थरो नॉलेज दे पाऊँ और आपको एक बेटर आइडिया हो इस चीज़ के लिए कि किस किस तरह के डेंटल कैप्स जो होते हैं वो अलग अलग मटेरियल के बेस पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डेंटल कैप्स आपके पास ऑप्शन में हैं। तो आइए जानते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले तो जो होता है, जिसे कहना चाहिए वेरी वेरी कॉमन कैप, जो मे बी ज़्यादातर आप लोगों के मुंह में होगा, जिसे हम कहते हैं PFM। PFM, P stands for porcelain, F stands for fused and M stands for metal. Porcelain fused to metal. Or in general term, your dentist or maybe you yourself tell is metal ceramic. इसका मतलब ये होता है कि जो हमारी कैप है उसमें अंदर की तरफ तो मेटल है और ऊपर की तरफ सिरेमिक है। मेटल अंदर होने की वजह से स्ट्रेंथ तो दे देता है, पर क्योंकि ये देखने में अच्छा नहीं लगेगा तो आजकल इसमें हम जैसे सिरेमिक ऊपर से लगा देते हैं। दिस इज़ वाइडली वेरी वेरी कॉमन क्राउन, जो कि एक कॉस्ट इफ़ेक्टिव क्राउन है। ये मेटल क्राउन से थोड़ा कॉस्टली हो सकता है बट फुल सेरेमिक क्राउन से ये सस्ता होता है। सो दिस इज़ वेरी वेरी कॉमन क्राउन, एज आई टोल्ड यू, वाइडली कॉमनली नोन PFM और मेटल सेरेमिक क्राउन यूजुअली ज़्यादातर लोग प्रिफर करते हैं। ओके, जैसा कि मैंने बताया इसमें PFM है, पोर्सलिन फ्यूज टू मेटल है, तो इससे जो पहले चलते थे वो क्राउन्स, वो मेटल क्राउन्स भी चलते थे। मेटल क्राउन एज द नेम सजेस्ट कि केवल मेटल से ही बना है, इसमें सेरेमिक होता ही नहीं है। बट मेटल होने की वजह से स्ट्रेंथ तो इसमें आ जाती है, बट जब आप बात करते हैं, स्माइल करते हैं, तो एक वो चमकीला सा मेटल सा ब्लैक से कलर का वो दिखेगा। सम पीपल माइट बी आर सीनियर सिटीजन माइट बी ओके विद इट, ओके कि भाई अपीयरेंस से हमें इतना मैटर नहीं करता है, हमें बस दांत चाहिए, क्राउन चाहिए। बट मे बी आर सर्टेन जनरेशन और सर्टेन यू नो एज ग्रुप डजेंट लाइक दैट मेटल और यू नो चमकीला वाला कलर, देन यू कैन चूज द मेटल सेरेमिक। तो ये जो मेटल कैप होते हैं ये कंपैरेटिवली मेटल सेरेमिक से कम कॉस्टली होते हैं। पहले ये ज़्यादा यूज़ होते थे, लाइक व्हेन आई स्टार्टेड माय प्रैक्टिस 14-15 इयर्स बैक, तब लोग बहुत ज़्यादा प्रेफर करते थे मेटल क्राउन्स, बट नाउ ह्यूज डिफरेंस ऑफ सिनेरियो इज़ देयर। मेरे खुद पेशेंट्स जिन्होंने 14 साल पहले सपोज हमसे ही मेटल क्राउन लगाया है, वो अब हमें कहते हैं कि हमें मेटल से और एडवांस चाहिए। सो वी गिव देम ईदर मेटल सिरेमिक कॉमनली यूज्ड और बेटर ऑप्शन देन दैट, उस पर भी मैं अभी आऊँगी। तो अभी तक दो तरह के क्राउन मैंने आपको बताए, वन वॉज मेटल सेरेमिक और PFM, अनदर वॉज ओनली मेटल। अब जैसे हमने ओनली मेटल की बात की जो कि पहले यूज होते थे, फिर मेटल सेरेमिक आए, तो अब जो ज़्यादा एडवांस है वह है ऑल सेरेमिक और फुल सेरेमिक क्राउन, जिसमें मेटल होता ही नहीं है, बिकॉज सम पीपल डोंट लाइक मेटल इन देयर माउथ, देन वी एडवाइज द फुल सेरेमिक क्राउन। इसमें फ्रेंड्स अंदर मेटल नहीं होता है, ये अंदर से लेके बाहर तक केवल सेरेमिक या केवल पोर्सलिन से ही बना हुआ होता है। तो इसका बेनिफिट ये होता है कि सपोज आप कुछ खा रहे हैं, कोई ऐसे इंस्ट्रक्शंस हैं जो आप हमने आपको मना किए हैं, आपके डेंटिस्ट ने आपको बोला है कि ये चीज़ नहीं खानी है, फिर भी कभी ना कभी तो मन कर ही जाता है और आप गलती से खाते हैं। सपोज आपने बहुत ज़्यादा गन्ने का शौक रखते हैं, शुगर केन, सम पीपल कांट अवॉइड,
आपने शुगर केन ही बहुत टाइम से खा रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ मंच कर रहे हैं कि गलती से सेरेमिक थोड़ा चिप ऑफ हो गया, तो मेटल सेरेमिक क्राउन में वो मेटल का पोर्शन अंदर से दिखने लगेगा। सामने वाला पूछ सकता है कि सर आपने कैप लगवाया है क्या, या मैम आपने कहीं से क्राउन का काम कराया है, एंड मे बी यू विल नॉट लाइक इट। देन येस वी हैव ब्यूटिफुल आंसर, दैट इज फुल सेरेमिक और ऑल सेरेमिक, नो मेटल इज देयर, अंदर मेटल है ही नहीं। जब मेटल है ही नहीं और क्राउन चिप ऑफ हो गया तो अंदर तक वो वाइट ही उसकी लेयर्स होंगी, वो वाइट ही दिखेगा, तो वो देखने में भद्दा नहीं लगेगा, बुरा नहीं लगेगा। फुल सेरेमिक क्राउन मेटल सेरेमिक क्राउन से थोड़े से हायर रेंज में हो सकते हैं, बट बिलीव मी दिस गिव ब्यूटिफुल एस्थेटिक, अमेजिंग अपियरेंस, और चिप ऑफ में मेटल विजिबल नहीं है, सो दिस इज द बेस्ट एडवांटेज। देन नेक्स्ट कम जिरकोनिया। जिरकोनिया इज अगेन मेटल फ्री क्राउन, इसमें भी मेटल नहीं होता है, बट जैसे जैसे एडवांसमेंट होता है हर फील्ड में, ऐसे हमारी डेंटिस्ट्री में भी हुआ, तो ऑल सेरामिक या फुल सेरामिक के पास जो नेक्स्ट रेंज आती है होती है जिरकोनिया। जिरकोनिया इज मोर ट्रांसल्यूसेंट क्राउन, सो इट लुक्स मच मोर बेटर, इट गिव्स यू बेटर अपीयरेंस, और अच्छा लगता है। फुल सेरामिक के कंपैरेटिवली इसकी ट्रांसल्यूसेंसी और अच्छी होती है, नेचुरल होती है। इसमें भी कुछ अपने टेक्निकल वर्ड तो क्या आपके सामने हम बताएं, जैसे मोनोलिथिक होते हैं, लेयर्ड क्राउन होते हैं, तो उसके हिसाब से इसमें भी कुछ टाइप्स होते हैं, वो बन के बहुत अच्छा लगता है, बहुत नेचुरल लगता है। बिलीव मी फ्यू ऑफ माई पेशेंट वॉज वेरी हैप्पी एंड दे एक्चुअली इन्जॉयड यू नो देयर न्यू लुक। सो जिरकोनिया लुक्स अमेजिंग, इट माइट बी लिटिल कॉस्टलियर देन फुल सेरेमिक और ऑल सेरेमिक, बट इसके रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं। फिर जिरकोनिया के ऊपर भी हमारे पास आता है जिसे हम ई मैक्स क्राउन कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया हर फील्ड में जैसे जैसे एडवांसमेंट होता जाता है वैसे वैसे नई नई चीज़ ऐड होती हैं। ई मैक्स क्राउन लुक्स अमेजिंग, इट गिव्स ब्यूटिफुल एस्थेटिक्स, इतना नेचुरल, इतना ट्रांसल्यूसेंट और इतना अच्छा होता है कि नो डाउट इसका कोई कंपेरिजन नहीं है। सो टुडे वी हैव ई मैक्स क्राउन्स ऑल्सो, जिनकी अपियरेंस में बहुत अच्छा ये रोल प्ले करते हैं। नो डाउट ये जिरकोनिया से थोड़ा और कॉस्टली हो सकते हैं। सो इट डिपेंड्स कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, आपकी क्या प्रायोरिटी है, आपका दांत पीछे का है या आगे का है। अब अगर मैं बात करूं, जैसे अभी मैंने आपको मेटल क्राउन्स के बारे में बताया, मेटल सेरेमिक बताया, फुल सेरेमिक या ऑल सेरेमिक बताया, जिरकोनिया बताया, ई मैक्स बताया, इसके बाद आते हैं जो कि बहुत पहले ज़्यादा चलते थे, अब लोग यूजुअली इन्हें लाइक नहीं करते हैं, दोज वर गोल्ड क्राउन्स। आपने माइट भी अपने घर में सीनियर सिटीजन्स के मुंह में देखा होगा कि कोई गोल्ड क्राउन है, एंड दिस इज़ रियली फनी, बट येस इट यूज टू बी अ स्टेटस सिंबल ऑल्सो मैनी ईयर्स बैक। येस पीपल यूज टू गेट इट डन जस्ट टू शो दैट येस वी हैव अ गोल्ड क्राउन इन आर माउथ, और वो बहुत हाई लाइट होता था कि भाई उनके मुंह में गोल्ड का दांत लगाए, सोने का दांत लगाए, बट इट इज़ ऑब्सलीट नाउडेज, अब लोग इसको पसंद नहीं करते हैं। अगर कोई दांत अलग से चमक रहा है, वेदर वो मेटल है या वो गोल्ड का है, तो वो अच्छा नहीं लगता है। लोग टूथ कलर्ड क्राउन ही पसंद करते हैं, तो गोल्ड क्राउन अब नहीं लोग पसंद करते हैं, ये यूजुअली अब नहीं लगाया जाता है। ये निकल, क्रोमियम, इनके मेटल एंड अलॉय से मिलके बना होता था, बट नाउडेज पीपल यूजुअली डोंट चूज। जो ज़्यादातर चलते हैं वो मेटल सेरेमिक, फुल सेरेमिक, जिरकोनिया, ई मैक्स, ये ज़्यादा चलते हैं। सो फ्रेंड्स, आई ट्राई टू ब्रीफ यू रिगार्डिंग डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ डेंटल क्राउन बेस्ड ऑन देयर मटीरियल। आई होप आपको एक क्लियरेंस आई होगी कि किस तरह से अब आप क्राउन को चूज़ करें। Thank you so much. Namaskar.